गुड मॉर्निंग नाउ कुमटा से। ये सब ठीक है लेकिन बाहर जो माहौल है, जो लैंडस्केप है, और दिखाइए इधर थोड़ा। सो पहला टोल तो आ ही गया, टोल देते देते आदमी परेशान है, भगवान की भक्ति करे कि टोल पे करे। बट लैंडस्केप ये देख रहे हैं आप, मतलब क्या वादियां हैं, और ये सुबह सुबह जब माहौल खुल रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और सुबह सुबह हम जा रहे हैं दर्शन करने मुर्देश्वर टेंपल में। आज हमारा दूसरा दिन है कर्नाटका के ट्रिप का, और शुरुआत आज दूसरे दिन की इतनी भव्य है। शिव जी की प्रतिमा धीरे धीरे मेरे आंखों के सामने अनवेल हो रही है, और जो फीलिंग मेरे मन में आ रही है अभी इज नथिंग लेस देन मेस्मराइजिंग। जी हाँ, इतना ग्रैंड है, यू कैन ओनली फील इट हाउ इम्पोजिंग इट इज व्हेन यू कम हियर एंड विटनेस योरसेल्फ फर्स्ट हैंड। Place you have been here before, no? So be my guide today. You have to read about it. What is this? Read the about this part. Then you read and then you listen to me. You tell me your story. What you know, you tell me. I don't know anything. I just know the God is here and this image, this statue. And is that what is your story? I have read it, but I don't remember. Pura utna tumko batane ke liye, because since it is getting recorded, I don't want to talk anything blab. I don't want to blab. I'm sure that Arun Shetty made it. It took him, matlab, 6 kuch years to make it. 6 years only? That's very fast. Very fast. Making this landscape, and this temple is also new, right? Tourist location ban gaya basically. Beach hai bagal mein. Piche dekho. Beach hai. Aur kya? Yahi pe hotel bhi hai. RNS Residency. This is not an ancient temple. This is a modern age temple. However, यहाँ से जुड़ी mythical folklore बहुत सारे हैं, बहुत सारी कहानियाँ। And one of the most famous mythical stories goes that Ganesh tricked Ravan at this very place to keep the Shivlinga here, which originally Ravana was carrying to Lanka. And the place is so beautiful and pristine. The imposing statue is surrounded as a backdrop from three sides by Arabian Sea, which is again amazing. And now I am very near to the statue itself. And that 20-story temple in background and the backdrop of Arabian Sea for this amazingly imposing Shiva statue, and the vibe is divine. Grandness ke alawa main kuch bata nahi sakta yahan pe. Aake jo anubhav aur feel hota hai wo aane ke baad hi apne ko pata chalega. So all I can say is my experience is ka grandness, aur paas se dekhte hain to अपने आप का टाइनीनेस महसूस होता है। एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द एक्सपांस ऑफ अरेबियन सी एज अ बैकड्रॉप, सो अमेजिंग। इट इज सेड दैट 50 मिलियन रुपीस वेर डोनेटेड बाय मिस्टर आरएन शेट्टी एंड स्कल्पचर्स came on board to make this. So अब जो दर्शन हो गया है, so time to indulge in some breakfast and let's see what my friend has got for me. यार तुम ऐसा मत बोलना कि मेरे चक्कर में तुम गिरते हो। नहीं,
रावा डोसा भी खाएंगे, मसाला डोसा उत्तपम भी खाएंगे। हाँ उत्ते उत्तपम भी खाएंगे। और हमारा बंस खाएंगे तो स्टोरी का दूसरा वर्जन मैं सुना रहा हूँ। डिवोशन आउट ऑफ यू, आई मीन द मैग्निफिसेंस ऑफ द स्टैचू ऑफ शिवा सच दैट ऑटोमेटिकली हमको टाइनी फील करवा देता है ना, कि हम कितने छोटे हैं। ये हमारे मन में एक्चुअल में भाव ये आता है, वही से तो ये आप महान, वही से रियलाइज करते हैं हम कि हमारी औकात क्या है कि नहीं। सो ब्रेकफास्ट ब्रेक से हेलो चित्तपुर गोइंग टूवर्ड्स नाउ उडुपी उडुपी फ्रॉम मुर्देश्वर टू उडुपी वन में टू ना कहने के सांबर और चटनी मिलेगा। ये क्या है बंस है? ये बंस है। बंस गरम नहीं है ना बंस बनाना शुगर एंड दही और मैदे का बेस डीप फ्राई करते हैं। और दूसरा सर्विंग आ गया और किसने इतना ज़्यादा ऑर्डर कर दिया है कि अभी प्रॉब्लम है कि खाए हो और कुछ भी बोला है ना समथिंग एल्स यू हैव ऑर्डर ओनली दिस शीरा बंस एंड सेट डोसा। अभी मेरे दोस्त ने एक नया चीज़ बताया सेट डोसा को चाय में डिप करो जो स्वाद आने वाला है।